की सबसे बड़ी खबर है ये। भारत के लिए अगले 20 से 35 दिन बेहद अहम है। 20 से 35 दिन में नया वेरिएंट भारत आ सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, चीन में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। नवंबर में कोरोना के केसों में अचानक से उछाल आ गया। जापान पर कोरोना का सबसे ज्यादा कहर, 24 घंटे में जापान में 1,73,000 से ज्यादा नए केस। दुनिया में दूसरे नंबर पर ब्राजील में 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा नए केस। प्राइस से क्या उम्मीदें हैं? क्या गोल्ड नया रिकॉर्ड 2023 में बनाएगा? और नया रिकॉर्ड तो मार्केट बनाने के बेहद करीब है ही, लेकिन क्या गोल्ड एक ऐसा रिकॉर्ड बनाएगा जो इन्वेस्टर को भी और कंज्यूमर को भी चौंका देगा? 2023 में देखिए बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो गोल्ड में अब तेजी के आ गए हैं। मसलन अब दुनिया में महंगाई घटनी शुरू हुई है, महंगाई में एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। और चूंकि महंगाई जब बढ़ रही थी और महंगाई को काबू करने के लिए ही ब्याज दरें बढ़ रही थी, तो लिहाजा ब्याज दरों का बढ़ना गोल्ड के लिए निगेटिव होता है और इसलिए गोल्ड के दाम कम हो रहे थे। लेकिन अब जबकि महंगाई कम होनी शुरू हो गई है, तो मतलब ये कि अब दरें बढ़ने भी कम होंगी, तो दरें बढ़ने कम होंगी तो ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव फैक्टर होगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह है कि दुनिया भर में मंदी की चिंता लगातार बनी हुई है। और आपको याद होगा कि जब भी दुनिया के आर्थिक हालात या राजनीतिक हालात खराब होते हैं, उस दौरान सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और गोल्ड के दाम बढ़ जाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अभी भी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। बहुत तस्वीर साफ नहीं हुई है कि ये युद्ध कब तक चलेगा, कब खत्म होगा। उससे भी गोल्ड मार्केट को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। दुनिया में कई ऐसे सेंट्रल बैंक हैं जिन्होंने बड़ी बाइंग गोल्ड में शुरू की है, ये भी गोल्ड के लिए एक बड़ा बूस्टर डोज साबित हो सकता है। उसका भी इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं। महंगाई का जिक्र भी हमने किया ही। और चीन और भारत में जो डिमांड की बात हो रही है कि जो स्पॉट की डिमांड है, जो हाजिर की डिमांड है, उसमें भी इजाफा हो सकता है। तो सारे फैक्टर अब करीब करीब गोल्ड में तेज़ी के आ गए हैं। बाजार के बड़े जानकार मानते हैं कि बेशक नए साल के शुरुआती 3-4 महीने गोल्ड के लिए एक रेंज बाउंड ट्रेड हो, मतलब इसी भाव के आसपास ऊपर नीचे घूमता रहे, लेकिन ओवरऑल इस पूरे साल में गोल्ड में आगे तेज़ी रहेगी। और साल के आखिर तक जानकारों का मानना है कि आपको 60,000 का लेवल भी गोल्ड में दिख सकता है। मतलब ये कि 10 ग्राम सोने का भाव 2023 के अंत तक 60,000 रुपये तक भी जा सकता है।